बा अदब इस्तकबाल अभिषेक पारेट की तरफ से आप सभी को आज कहानी नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक्स के शानदार प्रदर्शन से 121 साल बाद भारत ने आखिर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत लिया और स्वर्ण जीतकर उन्होंने देश का दिल भी जीत लिया। ओलंपिक्स के इतिहास में भारत की तरफ से वो एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। आज वो मेडल जीतकर देश वापस आ रहे हैं तो लोग हर जानकारी को कुरेद कर ये जानना चाहते हैं कि उनकी कहानी आखिर क्या है। 23 साल के नीरज चोपड़ा की एथलीट बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। नीरज पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के एक संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। नीरज अपने बचपन में आम बच्चों से ज़्यादा मोटे और थुलथुले बदन वाले बच्चे थे और उनकी इसी कमी ने उनको पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई। दरअसल मोटापे को कम करने के लिए नीरज ने पानीपत स्टेडियम जाना शुरू किया। उस वक्त नीरज का वज़न 80 किलो हुआ करता था और नीरज हर हाल में अपना वज़न कम करना चाहते थे। उनके मोटापे और उसके ऊपर कुर्ता पायजामा पहनने की वजह से उन्हें स्टेडियम में लोगों ने सरपंच कहकर बुलाना शुरू कर दिया। नीरज ने कभी इसे मजाक के तौर पर नहीं लिया और वो अपना वज़न कम करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। इसी बीच नीरज ने जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे कई खिलाड़ियों को वहाँ देखा। नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंक रहे खिलाड़ियों के जैवलिन को फेंकने के बाद बेहद चाव से दौड़ते हुए उसे उठाकर वापस लाते और खिलाड़ियों को देते। एक तरफ नीरज का मोटापा कम हो रहा था और दूसरी तरफ जैवलिन थ्रो की तरफ उनकी ललक लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्टेडियम में प्लेयर्स को जैवलिन सिखाने वाले कोच के सामने ही उन्होंने वो भाला उठाकर फेंका और कोच ने उन्हें ऐसा करते हुए उस वक्त देख लिया। कोच ने पाया कि वो दूसरे खिलाड़ियों की टेक्निक से बेहद अलग और कमाल के थ्रोअर हैं। कोच उनकी प्रतिभा से रूबरू हुए और नीरज की हौसला अफजाई की। कोच ने उनके परिवार से बात कर उन्हें जैवलिन थ्रो के खेल को अपनाने की सलाह भी दी। उनके परिवार ने कोच की सलाह को मानते हुए नीरज को इस खेल में हाथ आजमाने की सलाह दी, लेकिन महंगा खेल होने की वजह से उस समय नीरज के परिवार के पास जैवलिन थ्रो कि जैवलिन को खरीदने के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद परिवार ने जैसे तैसे 7,000 रुपये का बंदोबस्त किया और उन्हें जैवलिन लाकर दिया। जैवलिन हाथ में आने के बाद नीरज ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। वो सफलता के झंडे गाड़ते चले गए। उनकी थ्रो की टेक्निक सबसे अलग थी, हालांकि उनके पास कोई कोच नहीं था और ऐसे में उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने जैवलिन थ्रो के वीडियोज यूट्यूब से देखने शुरू किए और वो कमाल करने लगे। नीरज अब कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगे। वर्ष 2016 में नीरज ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो कर रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद दक्षिण एशिया खेलों में गुवाहाटी में 82.23 मीटर थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में जकार्ता में एशिया खेलों में 88.06 मीटर का थ्रो कर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2016 का वो समय जब भारत को गोल्ड दिलाने वाला ये लड़का राष्ट्रीय परिदृश्य में सामने आने की कोशिश कर रहा था, इस साल में ही उन्हें पहली पहचान मिली जब पोलैंड में आयोजित अंडर-20 चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड जीता। इसके बाद बारी थी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की। गोल्ड कोस्ट में उनका भाला 86.47 मीटर पर रुका। लोग उनमें उम्मीद खोजना शुरू करने लगे। उम्मीदों से आगे बढ़कर नीरज चोपड़ा ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपने जैवलिन को 88.07 मीटर मारा, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना। लेकिन नीरज संतुष्ट नहीं थे, उन्हें आगे बढ़ना था। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होने से उन्हें इसके लाभ भी मिले और उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी मिली, जो शायद बाहर उनके लिए संभव नहीं हो पाती। 2012 में एक बार बास्केटबॉल खेलते वक्त उनकी कलाई की हड्डी टूटने के बाद एक बार भी नीरज ने ये भी सोच लिया था कि वो शायद आगे जैवलिन थ्रो नहीं खेल पाएंगे।
पर नीरज ने इस बात को भी मात दी कि उनकी उसी कलाई की हड्डी कभी टूटी थी जिससे वो स्वर्णिम थ्रो करके ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए हैं। साल 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा साल साबित हुआ। उन्हें कंधे की चोट लगी और वो आगे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद उन्हें कई महीने तक आराम के लिए खेल से दूर होना पड़ा। 2020 में कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हुई और वो एक साल तक इस पल का इंतजार करते रहे। रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने से चूके नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में ऐसा नहीं होने दिया और अपनी पिछली चूक के घाव को भरते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। आखिर शनिवार को उन्होंने देश के खाते में स्वर्ण पदक डाल दिया। नीरज ने अपना ये पदक एथलीट मिल्खा सिंह के नाम किया जो अपने जीवन काल में किसी भारतीय युवा को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेते हुए देखना चाहते थे। हालांकि समय मिल्खा सिंह और नीरज दोनों के लिए इतना मेहरबान नहीं रहा। मिल्खा सिंह का सपना पूरा करने वाला ये लड़का अपनी ट्रेनिंग खुद करके आया। हालांकि अब उनके पास इंटरनेशनल स्तर के कोच हैं, लेकिन कहानी और संघर्ष वो होता है जो अभावों के बीच आकार पाता है और सफलता के बाद हर कोई उसे चाव से सुनता है, सुनाता है और प्रेरणा हासिल करता है।